यस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले रहेंगे वो एक बेसिक टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जस्ट बेसिक रूप से जानकारी लेंगे, बाकी इसका प्रूफ ठीक है हम लोग जो है आगे देखेंगे, लेकिन इसका जानकारी हम लोग रखेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी जगह आपको जो है काम में आता रहता है। तो हम लोग अभी जो बेसिक रूप से जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो मैथमेटिकल फिजिक्स के अंतर्गत आया करता है, ठीक है। और ये आपको कई सारे सेक्शन में अप्लाई होता रहता है, जबकि हम लोग अभी फिलहाल में जो बात करने वाले हैं वो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये सब टॉपिक आपको कहां पढ़ना रहता, आप ऐसे पढ़ते तो वेक्टर कैलकुलस वाले में आप इसको पढ़ा करते, ठीक है। लेकिन ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम एक्चुअली आया करता है, ठीक है। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ये सब आपको जो मैथमेटिकल फिजिक्स का सेक्शन रहा करता है, ठीक है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग जो है स्टोक्स थ्योरम को देखेंगे, ठीक है। स्टोक्स थ्योरम ये क्या हुआ करते हैं, स्टोक्स थ्योरम, ठीक है, स्टोक्स थ्योरम। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है, ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। सभी साइंटिस्ट के एक्चुअली ये नाम है, एक्चुअली गॉस जो है आपको गॉस तो मालूम ही होगा, गॉस जो है फेमसली रूप से आप जानते ही हैं, उनको आप जो है फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि गॉस अधिकतर जो काम किए हुए हैं एक्चुअली वो मैथमेटिकल फिजिक्स के सेक्शन में एक्चुअली काम किए हैं, और मैथमेटिक्स में इनका जो है काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा करता है, ठीक है। और ये फिजिक्स में तो कई जगह पर आप पढ़े ही, बल्कि इंट्रोडक्टरी लेवल पर तो आप जो है फिजिक्स में ही पढ़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है साइंटिस्ट का एक्चुअली नाम है गॉस, स्टोक्स और ग्रीन्स जो है, ठीक है। ग्रीन्स आपको जो नाम, ऐसा नहीं कि हरा रंग का है तो कुछ हरा रंग वाला टाइप का चीज़ नाम रखा हुआ रहता है। अपने देश में भी कैसे किसी का नाम हरियाणा रखा हुआ रहता है, किसी का नाम कालिया रखा रहता है, तो कैसे रंग पे एक्चुअली नाम रख दिया गया एक्चुअली, ठीक है। तो आपको जो है इसी तरह से जो है विदेशों में भी जो है कुछ लोग का नाम उस तरह का रखा हुआ है, जैसे ये ग्रीन्स रखा हुआ है। जैसे कैसे अपने देश में जो है नॉर्मली लोग जो है किसी का नाम हरिया रखते हैं, ठीक है, किसी का नाम कालिया रखते हैं, किसी का नाम गोरी भी रखते हैं, ठीक है। तो ये सब जो नाम एक्चुअली रखे हुए एक्चुअली उसी तरह से जो है विदेशों में भी कुछ कुछ नाम से उस तरह का जो है रखा हुआ रहता है, ठीक है। खैर इससे हम लोग को मतलब नहीं, मतलब ये है कि एक्चुअली ये जो थ्योरम एक्चुअली है वो क्या कहा करता है, बेसिक रूप से भी हम लोग जो जानकारी लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट आपको जो है ये थ्योरम रहा करते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम। अब देखिए ये कहाँ पे एक्चुअली काम आया करता है, ठीक है। देखिए कई बार हम लोग को जो है वर्कआउट करते समय जो है, ठीक है, हम लोग को सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीग्रेशन में बदलने का जरूरत पड़ता है, ठीक है, या वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में बदलने का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो वैसे केस में हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे केसेस एराइज होते हैं फिजिक्स में पढ़ते समय, ठीक है, जहां पे आपको लाइन इंटीग्रल को, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल को आपको जो है सरफेस इंटीग्रल में बदलना होगा, ठीक है, या सरफेस इंटीग्रल को आप लाइन इंटीग्रल में बदलना चाहते हैं, ठीक है। तो वैसे केस में आप स्टोक्स थ्योरम का जो है प्रयोग कर सकते हैं, और ग्रीन्स थ्योरम आपको जो है एक तरह से थ्योरम आपको रहा करता है, जो कि सरफेस इंटीग्रल आपको जो है वो वॉल्यूम इंटीग्रल में बदल करके देता है ग्रेडियंट के साथ। ये क्या होता है हम लोग इसके बारे में जानकारी जो है लेंगे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है क्लियर कट में आप दिमाग पर रखते हैं, लिख भी देते हैं ताकि आप जो है इसको ध्यान में रख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो आपका रहा करता है, गॉस डाइवर्जेंस, इसके नाम से ही कुछ लग रहा है, कुछ डाइवर्जेंस टाइप का कुछ जानकारी दिया हुआ होगा। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, ये आपको कहां पे मदद करता है, जब आप जो है सरफेस इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, अपने आप को मतलब खुद को नहीं, ठीक है, जो आपके पास फंक्शन एक्चुअली आए हैं फिजिकल सिचुएशंस को जो आप एनालाइज कर रहे थे, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड को एनालाइज कर रहे हो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड को एनालाइज कर रहे हो, तो वैसे दौरान में या और भी जो है फिजिक्स के कई सारे वेक्टर क्वांटिटी रहते हैं उसको एनालाइज करते समय ऐसा नीड आपको रहता है, ठीक है, कैलकुलेशन के पर्पज से, जहां पे आपको जो है सरफेस इंटीग्रल को जो है कन्वर्ट करने का जरूरत पड़ सकता है आपको वॉल्यूम इंटीग्रल में, एक्चुअली जो है वॉल्यूम इंटीग्रल में, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो वैसे केस में जो है आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का सहारा ले सकते हैं, ठीक है, इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ये क्लोज्ड रहेगा, सरफेस जब क्लोज्ड रहा करता है तभी जो है वो क्या बनाता है, वॉल्यूम। जैसे कैसे कोई पन्ना मान लीजिए स्ट्रेट में है, प्लेन में आपको जो है उसको रोल कर दीजिए, उसको रोल कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक सिलेंडर बना लेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। तो सरफेस जब भी क्लोज्ड हुआ करता है वो एक वॉल्यूम बनाता है। कैसे, मान लीजिए कोई बॉक्स बनाना है तो क्या होता है, बॉक्स बनाने के लिए जो बक्सा बनाने वाला क्या करता है, प्लेट रहता है, प्लेट को इस साइड जोड़ दिया, इस साइड जोड़ दिया, इस साइड जोड़ दिया, इधर जोड़ दिया, इधर जोड़ दिया, तो देखते हैं एक बक्सा जो है एक वॉल्यूम जो है आपको क्रिएट कर लेता है, ठीक है। तो जब भी सरफेस क्लोज होते हैं तो वो वॉल्यूम को इनक्लोज करा करता है, ठीक है। तो ये बातें हैं।
तो जहां पे आपको जरूरत पड़ेगा सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल या रिवर्स, वहां पे हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम लोग ये वेक्टर फंक्शन पे अप्लाई करा करते हैं। फंक्शन जो रहना चाहिए वो वेक्टर फंक्शन रहना चाहिए, ठीक है, वेक्टर फंक्शन। हम लोग यहाँ पे जो है वेक्टर फंक्शन को एफ मान ले रहे हैं या वी मान ले रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई एफ जो है, एफ वेक्टर कोई फंक्शन है या वी वेक्टर फंक्शन है, ठीक है, वी वेक्टर फंक्शन है, ठीक है। आप एफ भी बोल सकते हैं या वी भी बोल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई भी वेक्टर फंक्शन हो। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग प्रायः एफ से और वी से रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी जो फिजिक्स में जब काम करते रहेगा तो जो फंक्शन होंगे पहचानना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फंक्शन है कि मैग्नेटिक फील्ड वाला फंक्शन है या कोई और फंक्शन है। एक्चुअली ये कोई जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का ही हो, ये और भी मैकेनिकल टाइप का भी फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो वेक्टर फंक्शन रहना चाहिए, तो ये बताता क्या है? अब खास बात जो है, अब उस पर बातें आते हैं, ठीक है। ये वेक्टर फंक्शन यदि सपोज कर लीजिए है तो, ठीक है, तो किसी भी वेक्टर फंक्शन का, ठीक है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन सपोज कर लेते हैं, एफ वेक्टर फंक्शन का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन एफ डॉट, ये आपका जो है डीएस, ये हमेशा अपने आप को जो है क्या करेगा, इसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन में, ठीक है, डेल डॉट एफ और ये डीवी में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जो है ये क्या है, ये क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, ऐसा जो सिंबल रहा करता है इंटीग्रेशन देकर के क्लोज किया हुआ, इसको क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर फंक्शन एफ वेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। वो वेक्टर फंक्शन फिजिक्स के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, वो वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस तरह का सिचुएशन को आप एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग जो है प्राय इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं ग्रेजुएशन में पढ़ते समय जो है, ठीक है। तो ये आपको बोला जा रहा है क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ठीक है, वाया द डायवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन, ठीक है। उस वेक्टर फंक्शन का डायवर्जेंस ले लीजिए तो वो वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्चुअली किसको, सरफेस इंटीग्रल को, ठीक है, किसका, उस वेक्टर फंक्शन का, ठीक। तो ये आपको रहा सिंबॉलिकली रूप से, ज्यादा अच्छा से यदि इसको लिखना चाहते हैं एक्चुअली जो है, तो हम लोग जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन रहा करता है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन को डबल इंटीग्रेशन से शो करते हैं, क्योंकि दो वेरिएबल इस्तेमाल होंगे ना, कैसे, सॉरी वॉल्यूम नहीं, सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है। सरफेस जो रहा करता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करेगा या वाई जेड करेगा या जेड एक्स करेगा, दो कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करा करते, इसलिए इसको हम लोग डबल इंटीग्रेशन से भी इसको एक तरह से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये भी करिए चाहे ये करिए, उससे कोई बहुत बड़ा लॉजिकल एरर नहीं रहा। तो ये रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअली, कि इस तरह से भी रिप्रेजेंटेशन होते हैं, सेल्फ अंडरस्टूड है कि सरफेस इंटीग्रेशन है तो करने का जरूरत पड़ेगा तो डबल इंटीग्रेशन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है उस चीज को क्लियर करके लिखा हुआ है डबल इंटीग्रेशन, और ये जो गोला लगा हुआ है ये सुंदरता के लिए नहीं लगा हुआ है, ठीक है, ये लगा हुआ है ये जानकारी देने के लिए कि जो है इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज्ड सरफेस एक्चुअली हो रहा है, ठीक है। तो एफ डॉट डी एस इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करेगा कार्टेशियन सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो यदि सिलिंड्रिकल सिस्टम में काम करते रहेगा तो थीटा फाई और जेड को इस्तेमाल करता रहेगा, और यदि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में इस्तेमाल करते रहेगा तो आपको जो है थीटा फाई और आर का इस्तेमाल होता हुआ रहेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आपको रहा करता है कि तीन कोऑर्डिनेट्स का हम लोग प्रयोग करा करते हैं, तीन कोऑर्डिनेट्स का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम लोग ट्रिपल इंटीग्रेशन को करते हैं, क्योंकि आपको हर एक वेरिएबल के साथ इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना होगा जब आप कैलकुलेशन में लाइएगा तब, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग तीन से, अब कोई दिमाग लगा दे कि इसको गोला में घेर दे, तो बोले थे आपको जो है कि ये कोई सुंदरता वाला ये कुछ नहीं कि आप चीजों को इसको गोल घेर दीजिए और इसको भी गोल घेर दीजिए, इसका अपना मतलब था, इसको कर दीजिएगा तो बेमतलब हो जाएगा, वॉल्यूम को इंक्लोज करने का कोई सेंस नहीं निकलता, ठीक है। जो थ्री डायमेंशनल स्पेस है वो तो खुद ही आपको इंक्लोज कर दिया आप उसको जो, ठीक है। अब उसके बाद फिर फर्दर उसका इंक्लोजिंग जो है वो कुछ मीनिंग नहीं निकालता, इसलिए इसको हम लोग इसको इंक्लोज नहीं करते। देखिए लाइन को आप क्लोज करिएगा सरफेस बनाएगा, कैसे, धागा है उसको लपेटिए तो सरफेस बनाएगा, ठीक है। सरफेस को आप क्लोज करिएगा तो वॉल्यूम बनाएगा, वॉल्यूम को इंक्लोज करने का जरूरत नहीं है। रैपिंग ऑफ द वॉल्यूम वगैरह जो है वो कुछ अलग कॉन्सेप्ट होने लगता है, यहां पर उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए यहां पर गोला नहीं घेर देते हैं, ठीक है। कुछ लोग इस सब चीजों को नहीं समझते हैं, जो मर्जी वो अपना कर देते हैं चीजों को, तो कभी कभी आप बहुत बेहद लॉजिकल एरर डाल देते हैं यदि ऐसा कर देते हैं तो, ठीक है। ये डेल डॉट ये आपका एफ वेक्टर और ये डीवी होगा, ठीक है। तो ये डीएस जो है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स से मिला हुआ रह सकता है, और डीवी जो है क्या डीएक्स डीवाई डीजेड से मिला हुआ रह सकता है यदि आप कार्टेशियन सिस्टम में काम कर रहे हैं तो, वरना सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल में बताए थे कि कोऑर्डिनेट जो है तीन लेते हैं लेकिन वो अलग पैरामीटर्स हो जाते हैं, ठीक है, जो कि एंगुलर पैरामीटर्स और हाइट पैरामीटर्स सिलिंड्रिकल में रहते हैं, और स्फेरिकल में जो है एंगुलर पैरामीटर्स और साथ में जो है रेडियल पैरामीटर्स रहा करते हैं, ठीक है। तो वो भी आप पढ़ते हैं एक्चुअली
अलग अलग टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ करते हैं, जिसमें आपको मैथमेटिकली रूप से वर्कआउट करने में आसानी रहता है, उस सिस्टम को हम लोग लेकर काम करते हैं। जैसे मान लीजिए एटम के बारे में स्टडी कर रहे हैं, न्यूक्लियस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो प्रायः उसका इमेजिनेशन जो है स्फेरिकल रहा करता है, तो आपको जो है वर्क करते समय जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ज्यादा मदद करेगा एक्चुअली जो है, ठीक है। तो ये हम लोग का हुआ, तो मेन जो क्लियर बातें था आपको ये कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम लोग जो है सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि आप जो है डाइवर्जेंस के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं सरफेस इंटीग्रल को, ये भी आपको तरीका दिया करता है, ठीक है। तो इसका जरूरत पड़ता है कैसे, देखिए ऐसा नहीं कि इसको जब मर्जी तब आपको करने का मन हुआ तो कर दीजिएगा, ऐसा नहीं है, जरूरत पड़ेगा कैसे। आपको सपोज कर लीजिए आपको एक्सेलरेशन निकालना है और वेलोसिटी टर्म आपको जानकारी है, डिस्प्लेसमेंट टर्म जानकारी है, तो क्या करते हैं टाइम डेरिवेटिव लेते हैं, ये मैथमेटिकल जरूरत है ना आपका जो है, ठीक है, जिसकी वजह से आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कुछ का कुछ तो नहीं कर दीजिएगा। वैसे कहीं जरूरत पड़ेगा, ठीक है, कि आपको सरफेस इंटीग्रल इंक्लोज किया हुआ है और इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करने का, या वॉल्यूम है उसको सरफेस इंटीग्रल में लेकर के आने का, ठीक है, तो उसके आधार पर हम लोग इस थ्योरम को लगाते हैं, जो कि आपको काफी इंपॉर्टेंट रहा करता है। कैसे, किसी वर्क को मान लीजिए आप करते हैं कैलकुलेशन, वर्क निकालते हैं फिजिक्स में, तो डॉट प्रोडक्ट का जरूरत पड़ता है, ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट जो प्रोसीजर है एक्चुअली इसका जरूरत हुआ, जब मर्जी तब कुछ भी निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट नहीं कर देते, ठीक है, तो आपको जरूरत पड़ेगा एक्चुअली इस तरह का परफॉर्मेंस करने के लिए जो है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में जब आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ते रहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एग्जांपल में, ठीक है, एक एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है, कोई पूछे आपसे डिफरेंशिएशन का कहां कहां एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है, कोई पूछ दे प्लस का कहां कहां एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशन, ठीक है, कितना आप एग्जांपल दीजिएगा, जहां जरूरत है वहां के हिसाब से। तो एक एग्जांपल हम उठा करके बता रहे हैं आपको जो है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, जैसे जो लोग पढ़े होंगे, ठीक है, तो इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो हम लोग डायनेमिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग जो है इसका प्रयोग करा करते हैं, जिसमें जैसे गॉस लॉ जो हम लोग लिखा करते हैं, ठीक है, या मैक्सवेल्स फर्स्ट लॉ जो लिखते हैं या सेकेंड लॉ, उसको हम लोग इस तरह से करके जो है लिख सकते हैं E डॉट डी एस, ठीक है, या डी डॉट डी एस, डी डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू, हम लोग जो है क्या रखते हैं वो आपका रो डी वी, इसको हम लोग इस तरह से दिया करते हैं, ठीक है, जो कि चार्ज रहा करता है एक तरह से, ये चार्ज रहा करता है, ठीक है। अब इसी को आप डाइवर्जेंस के रूप में यदि लिखना चाहिएगा तो डाइवर्जेंस के रूप में इसी को जो है हम लोग कन्वर्ट करके, तो डेल डॉट, ठीक है, इसको हम लोग डी वेक्टर इज इक्वल टू हम लोग रो वी करके लिखा करते हैं, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी, तो इसमें हम लोग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। यदि आप इसका डिटेल एप्लीकेशन देखना ही चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले सेक्शन में चले जाइए प्लेलिस्ट में, और वहां पे जो है आप इस थ्योरम का प्रूफ देखिए, उस प्रूफ के दौरान जो है वो जरूरत पड़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, और वहां पे हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहां पे जैसे कैसे डाइवर्जेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना था, डीवी एक तरह से वेक्टर है जो कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, मैथमेटिकली रूप से देखिए तो एक वेक्टर है, वरना फिजिक्स के रूप से देखिए तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्चुअली रहा करता है, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्म यदि चाहते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल में करने के लिए, तो हम लोग जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं, फिर कंपेयर करिएगा तो डेल डॉट डी जो है रो के बराबर आपको जो है चला आता है, ठीक है। तो ये आपका हुआ, और भी कई जगह पे हम लोग इसको इस्तेमाल करा करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल दिए हम आपको जो, ठीक है। अब हम लोग जो है चलते हैं दूसरे वाले पे, क्योंकि बोले कि जस्ट अभी हम आपको इंट्रोडक्शन दे दे रहे हैं कि ये आपको जो है क्या हुआ करता है, तो समझ में आया आपको जो है ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है और कैसे किसी वेक्टर फंक्शन को आपस में इंटरचेंज करवाता है सरफेस टू वॉल्यूम और वॉल्यूम टू सरफेस, ठीक है। अब हम लोग जो है देखते हैं फिर उसके बाद जो है स्टोक्स थ्योरम, ये भी आपका जो है वेक्टर कैलकुलस का एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आपको रहा करता है। ये कंक्लूजन क्या बताता है आपको, देखिए कंक्लूजन ध्यान में रखना बेहद जरूरी है, प्रूफ जहां जरूरत है आप वहां पे देते हैं, वरना कंक्लूजन तो आपके ध्यान में रहना ही रहना चाहिए। जैसे साइन थीटा का जो है डिफरेंशिएशन कॉस थीटा क्यों हुआ करता है, ये एक अलग मैटर है, इसका प्रूफ आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन करते समय आप उसको क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल सीधे करते हैं, उस समय प्रूफ वगैरह से मतलब नहीं, सीधे आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करने आना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। तो उसी तरह से बातें हैं कि स्टोक्स थ्योरम का एज ए सिलेबस आप प्रूफ पढ़िए, प्रूफ एक अच्छा चीज रहता है पढ़ने का, लेकिन बात यही है कि आप प्रूफ पढ़ने के बाद भी जो है आपको रिजल्ट डायरेक्टली ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि उसको हम लोग प्रयोग करते हैं एक्चुअली जो, ठीक है। तो वही आपको जो हुआ कैसे साइन 60 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू, आप उसको प्रूफ करने जाते हैं, क्या ध्यान में रखते हैं, प्रूफ करते हैं कभी जहां जरूरत पड़ता है वहां पे, जहां उसी पे फोकस ही हो रहे हैं, ठीक है, वरना आप उस रिजल्ट को इस्तेमाल करते हैं जहां जहां जरूरत पड़ता है, वैसे ही स्टोक्स थ्योरम है, ठीक है, या और भी जो थ्योरम आप पढ़ते रहते हैं, ठीक है, उसका हम लोग करते हैं, ठीक है। तो स्टोक्स थ्योरम क्या करता है, ये क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल को जो है वो आपको सरफेस इंटीग्रल में बदल के देता है, जाहिर सी बात है लाइन क्लोज होगा तो सरफेस, एक धागा लीजिए, देखिए धागा है,
उसको आप इंक्लोज करिए, चाहे सर्कल के रूप में चाहे आप ट्रायंगल के रूप में। तो किसको इंक्लोज कर रहा है? सरफेस को, मतलब लाइन को जब इंक्लोज करते हैं तो सरफेस को जो है बनाता है एक्चुअली जो है, ठीक है। तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन, ठीक है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन, मान लेते हैं वेक्टर फंक्शन एफ वेक्टर है, वी भी मान सकते थे, ठीक है। तो ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल जिसको आप लाइन इंटीग्रल के रूप में बोलते हैं, तो डीएल लिखिए वरना डीआर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग डीएल यहां पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, लाइन इंटीग्रल के रूप में, ठीक है। क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल में आप उसको जो है बदल सकते हैं उसको कर्ल के माध्यम से, ये कर्ल रहा करता है, डेल क्रॉस एफ जो है ये कर्ल है, ठीक है, कर्ल के रूप में आप उसको जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कर क्या रहा है, ये क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल को, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल किसका, एक वेक्टर फंक्शन का, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, दैट वेक्टर फंक्शन में भी एनी वेक्टर फंक्शन, फिजिक्स में कई सारे वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जहां जरूरत पड़ेगा आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन जो है उसको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसमें, आप एक तरह से जो है सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल के रूप में आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल किसका, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन, कर्ल ऑफ द वेक्टर फंक्शन, ये जो आपको डेल क्रॉस लिखा हुआ है ना, ठीक है, उसको कर्ल बोला करते हैं। कर्ल क्या होता है इसके बारे में भी जो है सेक्शन में डाला हुआ है मैथमेटिकल फिजिक्स में, ठीक है। तो कहीं आपको जरूरत पड़ेगा एक्चुअली, जैसे कि एक फेमस जरूरत जो है आपको ग्रेजुएशन में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ते समय आपको रहा करता है, ठीक है। जैसे कि आप सपोज कर लीजिए मैक्सवेल्स का जो है थर्ड लॉ या फोर्थ लॉ आप डेराइव करते रहते हैं, तो उस दौरान उसका जरूरत पड़ता है स्टोक्स थ्योरम का, ठीक है। तो आप किसी भी वेक्टर फंक्शन को जो है, ठीक है, उसका क्लोज लाइन इंटीग्रल आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उसके सरफेस इंटीग्रल में यूजिंग द कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फंक्शन, ठीक है। तो आप इसके रूप में इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ, तो क्लोज लाइन इंटीग्रल रहना चाहिए, इसमें क्लोज क्यों नहीं किए, क्लोज लाइन जब होता है तो सरफेस में बदलता है, सरफेस ओपन रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोई इस तरह का पेन से जो है तीन आप जो है इसको क्लोज करिएगा ट्राइंगल बन जाएगा, तो क्या है प्लेन तो आपको ओपन है ना, प्लेन को इनक्लोज करिएगा तो वॉल्यूम में चला जाएगा, ठीक है। तो समझ में आना चाहिए कि क्लोज लाइन इंटीग्रल तो सरफेस ही और ओपन सरफेस रहेगा, ठीक है। तो यह हुआ, तो आप किसी भी वेक्टर फंक्शन को जो है उसका लाइन क्लोज लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में इस तरह से बदल सकते हैं, जो कि हम लोग को जरूरत कई बार जो है पड़ा करता है जब आप फिजिक्स में काम करते रहते हैं उस दौरान, ठीक है। तो यह हुआ, इसका जो आप यदि चाहते हैं एप्लीकेशन वगैरह, तो आप मैक्सवेल्स का जो है थर्ड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और जो फोर्थ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स देखिए, उसमें इसका जो है प्रयोग किया हुआ रहेगा आपको जो, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है आते हैं ग्रीन्स थ्योरम में जो, ठीक है, ग्रीन्स थ्योरम, बोर्ड भी ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है, तो ये आपका जो है ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। ग्रीन्स थ्योरम का जो है प्रयोग कहां पे होता है, सपोज कर लीजिए आपके पास जो है स्केलर फंक्शन है एक्चुअली, ठीक है, साई और फाई जो है स्केलर फंक्शन है, तो उसका ग्रेडियंट यदि आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और उस ग्रेडियंट का सरफेस इंटीग्रल यदि वॉल्यूम इंटीग्रल में बदलना चाहते हैं या उसके ग्रेडियंट को जो है आप लाप्लासियन में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो उस समय ग्रीन्स थ्योरम का जो है प्रयोग कर सकते हैं। दिमाग थोड़ा चकराया होगा, क्या क्या बोल दिया गया, अभी लिख रहे हैं तो समझ में आएगा। मान लेते हैं कि जो है इफ फाई और साई जो है ये दो स्केलर फंक्शन है, ध्यान रखिएगा स्केलर फंक्शन, ठीक है, फाई और साई जो है स्केलर फंक्शन है, ठीक है, आर स्केलर फंक्शन, आर स्केलर फंक्शन, ठीक है, स्केलर फंक्शन जिसमें डायरेक्शन नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो आप जो है सरफेस इंटीग्रल जो आपका रहा करता है, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल किसका, ये फाई डेल साई, डेल साई का मतलब क्या, ग्रेडियंट ऑफ साई, तो फाई ग्रेडियंट ऑफ साई माइनस साई ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक है, डीएस, ठीक है, डॉट डीएस, ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया ना, ग्रेडियंट जो रहा करता है वो किसी स्केलर के साथ इंटरैक्ट होने के बाद इसको वेक्टर में बदल देता है, ठीक है। तो ये बराबर हुआ करते हैं किसके, ये आपके वॉल्यूम इंटीग्रेशन में, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन किसके थ्रू, लाप्लासियन के थ्रू, तो फाई डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर फाई, ठीक है, ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ठीक है, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन के तहत, ठीक है। तो इस तरह का रिलेशन, तो यही जो होता है इस थ्योरम को हम लोग ग्रीन्स थ्योरम बोलते हैं। तो कई बार जरूरत पड़ता है आपको जो है सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम में जाने के लिए किससे, ग्रेडियंट से लाप्लासियन होते हुए जो है, तो उस दौरान में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
कई बार आपको कैसे और भी फॉर्मूला आप जो रहते हैं जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब, कई बार जरूरत पड़ते हैं ना वहां पर डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही जो इसका कहीं जरूरत पड़ेगा सरफेस से स्विच करने के लिए वॉल्यूम में या वॉल्यूम से स्विच करने के लिए सरफेस में, किसको इस्तेमाल करते हुए, लाप्लासियन और ग्रेडियंट का इस्तेमाल होते हुए जो है, ठीक है, तो आप इसमें जो है इस तरह का फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। तो यही बेसिक रूप से आपको जो है थ्योरम्स रहा करते हैं, ठीक है, जो कोई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम रहते हैं। हम लोग इसका प्रूफ पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन प्रूफ पढ़ने के बाद भी जो है हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे ताकि इसको जगह जगह पे इस्तेमाल करते रहे, ठीक है, जहां भी इसका जरूरत पड़ेगा एज ए फिजिक्स में जो है उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसका प्रूफ पढ़ेंगे हम लोग जो, ठीक, एक एक करके बारी बारी से इसके अच्छी तरह से प्रूफ पढ़ेंगे एक्चुअली जो, ठीक है। और ये आपके एग्जाम वगैरह में पूछता भी है, ठीक है, आपको मैथमेटिक्स में भी पूछता है, साथ में ये मैथमेटिकल फिजिक्स में भी आपको पूछा करता है, ठीक है। तो आप देख लेते हैं किस यूनिवर्सिटी में आपका कौन से ईयर वाले में मैथमेटिकल फिजिक्स पूछा करता है, उसके हिसाब से आप इसको पढ़ते हैं। बाकी ये आपको ऐसे भी पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशंस जो है काफी ज्यादा मदद करते हैं फिजिक्स में सॉल्व करते समय, ठीक है। तो यही रहने दे रहे हैं, तो नेक्स्ट में हम लोग मिलेंगे जिसमें प्रूफ करेंगे एक्चुअली इसको, एक एक करके बारी बारी से प्रूफ करेंगे, ठीक है। आज हम लोग इसका कंक्लूजन लिए, ठीक है, धन्यवाद।